एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 8:30। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड जी भी पूरे 2 दिन की छुट्टी के बाद आज ऑफिस जा चुके हैं। तो अभी मैं कर रही थी अपना फेस योगा, जो कि मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा करते रहूँ और आप सभी के साथ भी शेयर की हूँ कि फेस योगा कम से कम हमेशा करते रहें और प्रॉपर तरीके का डाइट रहेगा ना आपका, तो जो अंदर से जो निखार आता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डाइट के वजह से ही आता है। आप बाहर से जितना भी मेकअप कर ले, अंदर से अगर आपकी खूबसूरती नहीं होगी ना, तो फिर वो बस कुछ घंटों के लिए ही रह जाता है मेकअप। लेकिन आपका अगर अंदर से हेल्थ अच्छा रहेगा ना, तो वो सबसे ज़्यादा निखार लाती है और ग्लो लाती है आपके फेस के लिए। तो चलिए, वो सब भी हो गया है, अब चलते हैं, कर लेते हैं काम, बालों को समेटते हैं और कर लेते हैं काम, क्योंकि सारे लोग तो स्कूल और ऑफिस चले जाते हैं लेकिन पीछे से बहुत सारा काम हमारे लिए छोड़ जाते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, देख लीजिए इस रूम की हालत, बस कपड़ों से भरी हुई है। कल कपड़े जितने भी मैं, बहुत सारा कल कपड़ा धोई थी, यहाँ पर भी है, साथ में यहाँ पर कि चेयर में भी है, बहुत सारे कपड़े कल धुली थी लेकिन समेट नहीं पाई थी। जैसे कि मैं आप सभी से बोलती हूँ, कपड़ा समेटना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो सब वहाँ पर पड़े हुए हैं। साथ ही रूम भी देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से है, और सारा रूम ही इस तरीके से फैला हुआ ही रहता है। ये रूम थोड़ा सा साफ थोड़ा बहुत रहता है, क्योंकि सिर्फ बच्चे यहाँ पर पढ़ाई वगैरह करते हैं ना, तो सिर्फ बुक्स वगैरह ही फैली हुई रहती है, वरना फिर तो ये है। और आंगन वगैरह सब साफ है अभी, क्योंकि सुबह में ही होता है, और किचन तो और भी गंदा रहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी बहुत साफ़ की थी। और सुबह बच्चों के लंच, आज जैसे कि सैटरडे है ना, तो सैटरडे को आप लोग जानते हो मेरे बच्चे कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, और मेरे बेटे को सिर्फ और सिर्फ चाउमीन ही पसंद है, तो सारे लोग खा लिए थे, थोड़ा सा बच गया है, देखते हैं या तो मैं खाऊंगी या फिर रख दूंगी बच्चों लोग के लिए ही। वो लोग आकर भी खोजते हैं, क्योंकि स्कूल में क्या होता है ना, फ्रेंड लोग सारे लोग मिलजुल कर खाते हैं तो ख़त्म हो जाता है, तो जिसके वजह से। और आज ना बहुत ही प्यारी सी धूप निकली है, बहुत 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 प्यारी सी, और साथ ही हमारा आज मिनी रोज़ भी निकला है, जो कि बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है। आप सभी को रुकी मैं दिखाती हूँ, नहीं दिख पाएगी, और पता नहीं मुझे कैसे यहाँ पर पिंपल हो गया है। मुझे पिंपल्स वगैरह नहीं आते हैं, भगवान की दया है, बिल्कुल भी नहीं आते हैं, लेकिन हो सकता है पता नहीं कैसे आ गए, मैं नहीं जानती। तो चलिए सारा काम काज करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, मुझे ना 2-3 बार कमेंट आया था कि आप कौन सा पेंट लगवाती हैं जो इतना लाइट करता है, तो डियर ये सब ना हमारा प्लास्टिक पेंट होता है, और जिनसे मैं पेंट करवाती हूँ ना, वो मिस्त्री बहुत ही अच्छे हैं। मेरी बड़ी ननद का जहाँ घर है ना, वहीं से वो आते हैं, हर साल वही आकर कर देते हैं, और हमेशा पेंट का सिलेक्शन भी वही करते हैं, बस हमें कलर सेलेक्ट करने के लिए बोलते हैं, और जो वो बोलते हैं जैसा हम वो बताते हैं वैसे ही हम लोग ला कर देते हैं और वो कर देते हैं। और देखिए, इस साल तो मैं इस पेंट भी नहीं करवाई हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा ग्लो है और बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में, बिल्कुल भी नहीं लगता है, कोई भी नहीं बोलेगा कि हम लोगों ने इस बार पेंट नहीं करवाया है, बस कप ऐसे ही धुल दिए थे सभी को। बाहर बाहर पेंट हुआ है, सब तरफ किचन हुआ, बरांडा हुआ, ये सब पेंट हुआ था, लेकिन रूम्स वगैरह नहीं पेंट हुए हैं। और ये तो पिछले साल नहीं पेंट हुआ था, और इसे मैं बताती हूँ, ये वाला जो मेरा रूम है ये थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन ये ना 3 साल से पेंट नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है और कुछ भी नहीं है। अभी हम इसे 4-5 साल भी पेंट नहीं करवाएंगे ना, तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा वो पेंटर है, तो वही कर जाते हैं हर साल। मैं बोली चलो, याद आ गई मुझे ना, तो मैं बता दी। तो चलिए काम कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम होने वाला है, तो जल्दी जल्दी काम करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर में।
तो सबसे पहले आ गई थी मैं कपड़े समेटने के लिए, क्योंकि अगर कपड़े इधर उधर फैले हुए रहेंगे तो फिर घर भी पूरा फैला हुआ रहेगा और फिर लगता ही नहीं है कि घर का सारा काम हुआ है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और दूसरी बात ये भी है कि करनी तो आखिर मुझी को है, तो फिर आज कल कितना करूँगी, क्योंकि अभी ठंड का समय है तो कपड़े तो रोज़ धुलते हैं और बहुत ही धुलते हैं, क्योंकि अभी स्वेटर वगैरह तो रोज़ निकलते हैं बच्चों के, क्योंकि वो लोग तो गंदा करते ही रहते हैं, तो कपड़े तो होते ही हैं साथ में स्वेटर वगैरह भी होते हैं। तो फिर मैं लगे हाथ चली बोली चलो समेट लेते हैं, समेट रही थी तब तक फिर नल खुल गया हमारा। नल खुल गया तो एक बात बताती हूँ मैं कि जब हमारे तरफ नल खुलता है ना तो जितने भी हम लोग सारे लोग हैं ना बहुत ही हमारा काम ना फास्ट होने लगता है, क्योंकि हमें सिर्फ एक घंटा या दो घंटा ही पानी मिलता है, तो उतने देर में जितना घर का काम कर लो ना पानी वाला उतना कम होता है। तो मैं सोची चलो लगे हाथ, मशीन लगी हुई ही थी और पर्दे वगैरह जो मैं दीपावली के समय में लगाई थी उसके बाद धुली ही नहीं थी, तो ये पर्दे मेरे वाइट थे तो जिसके वजह से थोड़े गंदे हो गए थे। वैसे ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा था लेकिन फिर भी मैं बोली चलो धो ही देते हैं इसे। और फिर नल खुली हुई थी तो साथ के साथ फिर मैं घर भी धो रही थी, क्योंकि हमारा बहुत डस्टेबल एरिया है ना तो धूल वगैरह बैठ जाता है, तो एक दिन दो दिन के वो गैप करके अगर धूल कर मैं पोछा लगा देती हूँ ना तो फिर बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है। तो ऐसा कर लिया करती हूँ ठंड के समय में। गर्मियों में तो खैर नहीं, लेकिन गंदी होती है उतनी, लेकिन ठंड में बहुत ज़्यादा फर्श गंदा होता है, तो मैं ऐसा ही करती हूँ एक दो दिन के अंदर धुल कर और फिर उसमें पोछा लगा देती हूँ। तो फिर सारा काम ख़त्म होने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। नहा कर आई तो पूजा करनी नहीं थी मुझे अभी, तो पूजा करनी नहीं है तो इसीलिए मैं आ गई थी भगवान जी को प्रार्थना करने के बाद आ गई थी डायरेक्ट किचन में नाश्ता लेने के लिए। तो जैसा कि मैं आप सभी से बताई कि मैं आज चाउमीन बनाई थी, तो मेरी सासू माँ आ गई थी और साथ में मेरे भगने भी आ गए थे, तो फिर वो उनको मैं चाउमीन दे दी खाने के लिए। और ये चने की सब्जी रात वाली थी, जो कि जिस दिन में हम लोग आलू चौप बनाए थे ना तो सब्जी वैसे ही पड़ी हुई रह गई, किसी ने खाया ही नहीं, तो फिर वो वाली रखी हुई ही थी। तो अपने सासू माँ को भी ऐसे ही मूढ़ी और चने की सब्जी और प्याज वगैरह कट करके उन्हें भी दे दी थी और फिर मैं भी इसी तरीके से खाई। और सच पूछिए तो बहुत अच्छा लगता है, गर्मा गर्म था ना और ठंड का समय है तो इस तरीके का अच्छा लगता ही है, और साथ के साथ हेल्दी तो होता ही है। देखिए मूढ़ी थी तो थोड़ी सी थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं था, और जो सब्जी थी तो उसमें ज़्यादा ना ऑयल था ना ही मसाले थे, बिल्कुल सिंपल सी बनी हुई थी। तो उसमें थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स भी काट के डाल दी हूँ और उसके बाद फिर देखिए दिखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो सुबह के नाश्ते में अगर ये सब मिल जाए और फिर हमें साथ के साथ धूप भी मिल जाए, और धूप का मज़ा तो खैर अलग ही रहता है, अलग ही लेवल का रहता है। तो कौन कौन है इस तरीके से खाता है, बहुत सारे कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग हैं जो कि खाते हैं इस तरीके से। मुझे बहुत बार कमेंट भी आया है कि हम लोग भी इसी तरीके से चना बनाते हैं और सैलेड डालकर खा लिया करते हैं। तो खैर मैं भी हमेशा सैलेड डाल के ही खाती थी, लेकिन आज एक्स्ट्रा चीज़ हो गई है, मुढ़ी हो गई है, मुढ़ी था और मैं सासू माँ को जब बना कर दी ना तो मुझे लग रहा था कि मैं भी खाऊँगी इसे। तो चलिए मैं इसे इंजॉय करती हूँ और आप लोग को पहला निवाला खिला दी हूँ, टेस्ट करके बताइए कि कैसा लगा है। अच्छा लगा तो भी बताइए, नहीं लगा है तो भी बताइए। आज नाश्ता करने में ना बहुत ही ज़्यादा देर हो गया था, जब तक मैं नाश्ता कर रही थी तब तक मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे, और वो आते हैं तो तुरंत ही मैं चाय और पानी उनको देती हूँ। तो जब मैं वो सब लाने गई थी तो देख लीजिए ये मेरा मुढ़ी चोरी करके खा रहे हैं, क्योंकि मैं बताई ना बहुत ही अच्छी टेस्टी लग रही थी, तो इसीलिए वो एक चम्मच खाए तो उनको अच्छी लगी तो फिर सारा वही खा लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पर लेकर आए थे एकदम फ्रेश वाली गोभी की सब्जी, और इस तरीके का गोभी का सब्जी वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं सब्जी काट रही थी, टीवी देख रही थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि इन्होंने कैमरे उठा रखे हैं, मतलब फ़ोन लिए हुए थे। इनका ना गाने का सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है, मुझे तो याद भी नहीं रहता है ये सब गाना, लेकिन ये अक्सर जब भी बजाते हैं ना तो मुझे याद आ जाता है पुराना गाना हम लोग के टाइम का, जो कि सुनने में भी बहुत अच्छा था और सुकून भरा था, आजकल के गाने से लाख गुना अच्छा था।
लेकिन पता नहीं क्यों मुझे याद ही नहीं रहता है, जब भी मैं रील्स बनाने जाती हूँ ना तो बिल्कुल याद ही नहीं रहता है, जब ये बजाते हैं गाना तब मुझे याद रहता है, लेकिन ऐसे याद ही नहीं आता है, वो गाने का बोल बिल्कुल भी याद ही नहीं रहता है। तो फिर आजकल वाले गाने में ही मैं रील्स बना लिया करती हूँ। तो किसने किसने मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो किया है ज़रूर बताइएगा। अभी मैं यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन पर लिंक शेयर कर दूंगी, तो प्लीज़ आप लोग भी जाकर मेरे फेसबुक आईडी को ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और बातों बातों में देखिए मैंने पूरी फूलगोभी कट कर ली, पहले मैं सोची कि आधी बनाऊंगी लेकिन फिर मैं पूरी बनाई। और आप लोग भी सोचते होंगे आप गोभी कट कर रही थी और यहाँ पर अंडे को फ्राई कर रही हैं, तो फिर सब्जी कट करने के बाद फिर मैं अपनी सासू माँ से ढेर सारी चुगली वगैरह की, उसके बाद फिर आ गई थी सब्जी बनाने के लिए। एक्चुअली मेरी सासू माँ ना एक सब्जी से वो नहीं खा पाती हैं, तो जिसके वजह से मैं यहाँ पर बना रही हूँ उन्हीं की रेसिपी, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। हम लोग तो मैके में इस तरीके से नहीं खाए थे, लेकिन बंगाली लोग होते हैं मतलब ढेर सारी सब्जियां भाई खाते हैं ये लोग, इन लोगों में ये वाली क्वालिटी होती है, बहुत सारी सब्जियां खाते हैं ये लोग। तो अभी मैं दिखा रही हूँ आप सभी को कि आपने भी शायद मेरे ख्याल से अंडा आलू ही खाया होगा या फिर अंडा कढ़ी खाए होंगे, लेकिन अभी जिस तरीके से मैं बना रही हूँ वो लोग शायद बहुत ही कम लोग खाते होंगे, क्योंकि भाई मैं तो कभी नहीं देखी थी। हमारे घर में क्या होता था ना कि अगर कुछ भी नॉनवेज आया तो उसके बाद जो भी वेज खाना था दाल या फिर सब्जी वो सब साइड में रख देते थे, और फिर जो नॉनवेज बनता था उसी के साथ हम लोग चावल खा लिया करते थे। लेकिन मेरे ससुराल का बिल्कुल अलग नियम है, चाहे आप नॉनवेज बनाओ या ना बनाओ, जितनी सब्जियां बननी है उतनी बनेगी ही और साथ में दाल भी होगी। तो पहले अंडा को मैं फ्राई कर ली थी, उसके बाद फिर गोभी और आलू को भी तेल में अच्छे से फ्राई करके रख दे रही हूँ, क्योंकि ये भाई मेरी सासू माँ की रेसिपी है, जैसे वो बनाती है ना उसी तरीके से मैं बिल्कुल बना रही थी। फिर से तेल डाली हूँ, देखिए इनकी रेसिपी में ना थोड़ी तेल बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया करती थी, लेकिन भाई खाने में भी बहुत स्वाद लगता था। तो उधर मैं तेल डाल करके प्याज को फ्राई कर रही थी, तब तक यहाँ पर मसाले ले ली हूँ और मसाले के सिलवट्टे पर पीस लूँगी। तो यहाँ पर तेल भी हमारा गर्म हो गया है, उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दी थी कुछ खड़े गर्म मसाले, जैसे कि तेज़पत्ता था, जीरा था, लौंग था, बड़ी इलायची थी और साथ ही छोटी इलायची थी। तो ये जब चटक जाएंगे ना तो उसके बाद फिर मैं इसमें दो बड़े साइज़ का प्याज ली थी, बड़े साइज नहीं नॉर्मल साइज़ का ही प्याज था, तो फिर उसे भी मैं डाल दी हूँ। इसे भी कर लेंगे अच्छे से फ्राई, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा उसके बाद फिर हम डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन और गोलकी जीरा का पेस्ट मैं जो बना कर लेकर आई थी ना उसे भी डाल दी हूँ, और साथ ही जो हमारे रेगुलर के जो मसाले होते हैं जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और फिर कसूरी मेथी पत्ता, इन सभी को डाल दी हूँ और फिर मसाले को अच्छे से फ्राई कर दी थी। उसके बाद जो हमारी सब्जियाँ थी जैसे कि आलू, गोभी, मटर, जो उस दिन मैं बच्चों से रखवाई थी ना, छिलवा कर रखवाई थी ना, देखिए आज मेरे काम आ गया, आज मुझे करना नहीं पड़ा, बस बनाना था तो तुरंत मन में आया कि चलो मटर भी छिली हुई रखी हुई है तो उसे भी डाल देते हैं। तो सारे मसालों के साथ इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद फिर पानी डाल दी थी और मैं कुकर में बनाई थी, एक सीटी लगाई थी क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, हस्बैंड जी को खाना खा कर जाना था, तो जिसके वजह से मैं एक सीटी लगा दी थी। एक सीटी में ही मेरा बनकर अंडा कढ़ी बिल्कुल देखिए यहाँ पर हो चुका है रेडी, दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा ना, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और दाल चावल भी बन गया था। तो किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, मेरे मुंह में तो भाई पानी आ रहा है और अच्छी भी बहुत लगी थी। तो अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई हो ना हमारी सासू माँ वाली, तो आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा, और उम्मीद है कि आपके घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, और सिर्फ अंडा कढ़ी के अलावे और भी कुछ सब्जियां आप सभी को खाने के लिए मिल जाएगी, और स्वाद तो मत पूछिए बहुत ही अच्छा वाला था। और लास्ट में ना मैं इसमें चिकन मसाला भी डाल दी थी जिससे कि और भी अच्छा लग रहा था। तो हस्बैंड जी को और सासू माँ को इन दोनों को मैं खाना दे दी हूँ, और बच्चे अभी तक स्कूल से आए नहीं हैं क्योंकि मेरे बच्चे अब कभी 3:15 में कभी 3:30 में इसी तरीके से स्कूल से आते हैं, तो उतने टाइम में ना चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। हालांकि आजकल तो मैं रोटियाँ ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन हमारी सासू माँ वो रोटी दोपहर में नहीं खाती हैं,
चावल ही चाहिए उनको, तो जिसके वजह से सबके लिए मैं चावल बनाई थी। तो यहाँ पर गर्मा गर्म चावल और सब्जी सैलेड लेकर बैठ गई हूँ। दाल मैं नहीं ली थी क्योंकि आज मन था कि चलो सब्जी और भात ही खाते हैं, दाल तो रोज़ रोज़ ही खाते हैं। तो देर किस बात की है, चले आइए जल्दी जल्दी खा लीजिए हमारे हाथ का गर्मा गर्म खाना, चावल सैलेड और अंडा कड़ी गोभी मटर आलू की सब्जी जो कि बहुत ही टेस्टी है। सो फ्रेंड, अभी शाम का वक्त हो रहा है, शाम के बज गए हैं, कितना टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5:15। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ रोटी, क्योंकि आज मेरा बेटा स्कूल से आकर खाया नहीं और वो डायरेक्ट कैंप चला गया है, और अब चावल खाना इतना ठंडा में पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी से मैं तवा चढ़ा दी हूँ, उसके कैंप से आते आते ही रोटी मैं बना दूँगी और फिर खा ले वो। तो आटा वगैरह मैं गूँथ ली थी, अब जाते हैं जल्दी से रोटी बना लेते हैं, तब तक अपनी सासू माँ को दे देती हूँ मैं चाय। एकदम ही पहनेगी जा, लाइन तो हद कर दी एकदम। सो फ्रेंड, फिर से आ गई थी किचन में रोटी बनाने के लिए, क्योंकि बेटा आने वाला ही था, तो मैं सोची चलो जल्दी से बना लेते हैं रोटी, क्योंकि सब्जी मुझे बनानी नहीं थी, दिन वाली जो सब्जी थी वो काफ़ी थी, क्योंकि मेरा बेटा भी नहीं खाया था दिन में, तो सारी सब्जियां बची हुई थी। और रात में फिर वो बोला मम्मा मैं ऑमलेट के साथ रोटी खाऊंगा, तो फिर से तीनों बच्चों के लिए मैं बना दी थी ऑमलेट, तो उसी को देकर वो लोग रोटी खा लिए, और जो सब्जियां बची हुई थी उन सब्जियों से हम लोग तीनों खा लिए। और ठंडी तो बहुत है हमारे तरफ, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो रही है, आप सभी की तरफ कैसी हो रही है ज़रूर बताइएगा, और आज का ब्लॉग कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि आप सभी के कमेंट का हमेशा 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 मुझे इंतज़ार रहता है। सो फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।